हेलो गाइस, मैं शाफ़त, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक बजाज कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है 20 लीटर का, जिसका अनबॉक्सिंग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे वो माइक्रोवेव ओवन, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जा करके बाय कर लीजिएगा। वैसे ये ओवन मैं मार्केट से ख़रीदा हूँ, ऑनलाइन नहीं परचेस किया हूँ, बट ऑनलाइन भी उसी सेम रेट में मिल रहा है, आप लोग जा करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो गाइज, चलते हैं बॉक्स के पास, बॉक्स पर जा करके हम उसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने बॉक्स के पास। ये बॉक्स जो है बजाज का माइक्रोवेव ओवन, जो ग्रिलिंग के साथ आता है, ग्रिल भी कर सकते हैं। ये 20 लीटर का कैपेसिटी है और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसका जो मॉडल है, देखिए आपको दिखाते हैं, ये मॉडल है बजाज 2016 MTBX माइक्रोवेव ओवन। ये बजाज की तरफ से आने वाला है, बेहतरीन एक माइक्रोवेव है। वर्ल्ड क्लास फीचर वगैरह देखिए, मैकेनिकल कंट्रोल, माइक्रोवेव ओवन ग्रिल कॉम्बो वगैरह जो दिया हुआ है। नीचे सेफ्टी है, देखिए कंज्यूमर केयर नंबर भी है। और यहाँ पे पीछे साइड देखिए, अगेन फिर वही है, इंग्लिश में 20 लीटर 1 ईयर वारंटी। और यहाँ पे देखिए दो नोब है, पावर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और नीचे टाइमर है, और आप टाइमर को आप सेट कर सकते हैं खाना के मुताबिक। चीज़ का मैनुअल है, मैनुअल में सारा टाइमर और पावर एडजस्टमेंट का सब प्रीसेट मेन्यू में दिया हुआ है, और वहाँ से देख करके आप खाना सेट कर सकते हैं। ओवरऑल जो आप लुक है, बाहर से सारा चीज़ देख ही लिए हैं पूरे डब्बे के बाहर। और अब हम चलते हैं, हम डब्बा ओपन करेंगे। नीचे देखिए कंज्यूमर केयर नंबर, और हिंदी में वही चीज़ सेम हिंदी में। चलिए अब हम डब्बा ओपन करते हैं। और ये हमने ऑनलाइन नहीं बाई किया है, पर ऑनलाइन अच्छा मौका है, आप लोग बाई कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते रेट में आ रहा है अभी, लगभग अबाउट 6,500 के करीब आ जाएगा ऑनलाइन। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल में चल रहा है। ये हमने ये कार्ड देखे, ये वारंटी कार्ड है, इसे संभाल के रखे हमेशा, बजाज की तरफ से आने वाला ठीक है मॉडल नंबर। ये वारंटी कार्ड हमेशा संभाल के रखे, नहीं तो वारंटी में कवर नहीं रहेगा। 1 ईयर की वारंटी है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ। तो गाइस चलिए चलते हैं, ओपन करते हैं किसके अंदर क्या क्या आता है इसके साथ में। बहुत ही, ये रहा ब्लैक कलर का माइक्रोवेव ओवन, और ये ओवन जो है ग्रिल के साथ आता है, चिकन वगैरह रोस्टेड के लिए ठीक रहता है, भुनने के लिए बिल्कुल लाल करके बना के निकाल देगा, एकदम मस्त बनाता है। ये रहा आपके सामने 20 लीटर का ओवन। ये पीछे देखिए इसका लिखा हुआ है पावर के बारे में, इसका जो पावर है ये देखिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलेगा। एक 1200 वाट का माइक्रोवेव है ये, 900 वाट पे ग्रिल पे लेगा, और 2450 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी है जो खाना गर्म करेगा। पीछे इसका कॉर्ड है, ये पावर कॉर्ड लगाने का जैक पीछे है, कि आप केबल को समेट कर रख सकते हैं पीछे में। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। ये हमारा जो मैनुअल आता है, इसमें हमें खाना कैसे कैसे बनाना है, मेन्यू जो होता है मेन्यू के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि हमें कौन सा पॉट को इस्तेमाल करना है, कौन से नहीं करना है, कौन से मेटल का इस्तेमाल करना। देखिए यह है ग्रिल, ये ग्रिल है, और इसके अंदर आता है एक कांच का ट्रे, जिसके ऊपर हम वॉल या कोई भी पॉट रख करके उसमें हम खाना गर्म कर सके, खाना बना सके। और वो मूवेबल है, मूव होता है, आप उसको वहाँ पे लगा देंगे सेट करके, उस स्टैंड के ऊपर कांच को रख देंगे, और उसके बाद वो मूव होता रहेगा चारों साइड के, वो सही तरीके से पक जाए घूम घूम के। नहीं तो एक ही साइड पकेगा तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए वो उसका घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे पहले सेट करके देखते हैं कैसे सेट होता है।
गाइस ये जो है सबके घरों के लिए एक माइक्रोवेव ओवन बहुत ही ज़रूरी है केक वगैरह बनाने के लिए और चिकन के लिए बहुत चीज़ है, इसमें सारा काम हो सकता है, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। 20 लीटर साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है, तो साइज़ भी ठीक है। देखिए इस तरीके से ये मूव होता है, जब ये स्टार्ट होगा तो चारों साइड रोटेट करेगा ये। तो गाइस ये अंदर का पार्ट है, देख रहे हैं ये रहा, और ये ऊपर की साइड जो देख रहे हैं ये है ग्रिल, ये खाने को जो फ्राई मतलब कि रोस्ट करता है वो यहाँ से करता है। तो काफ़ी शानदार है, बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत भी लगती है, एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ है। हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए पीछे का लुक है, ऊपर का है, साइड से देखिए हम अब क्या कर रहे हैं। इसके अंदर एक कटोरा रखा है छोटा वाला, उसके अंदर डाला है दूध और चावल और चीनी मिला दिया, खीर बनाएंगे। थोड़ी देर तक उसको हम चलाएंगे और देखते हैं कि कैसे खीर बनती है उसमें। देखिए यहाँ दिख रहा है, और ये जो कांच देख रहे हैं ना, वो कांच में है डिफॉगर लगा हुआ है, और ये है नोब जिसे हम टाइमर है, टाइमर को सेट कर देंगे, और मैनुअल के हिसाब से हम उसमें उसका जो पावर एडजस्टमेंट है वो हम पावर भी सेट कर देंगे कि हमें मीडियम हाई ग्रिल कॉम्बी ये सब सेट करेंगे कि कौन से खाने के लिए किस सेटिंग पे बनेगा। तो वो अब मैनुअल देख ले, और हम मैनुअल का फ़ोटो भी लास्ट में शेयर कर देंगे ताकि जो मैन फ़ोटोज़ है जिससे आपको पता चल सके कौन कौन सा बर्तन इसमें इस्तेमाल हो। सारा चीज़ तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस चलिए इसे हम पावर देते हैं और उसके बाद हम खीर बनाते हैं। तो गाइस जब तक हमारा ये खीर बन रहा है तो मैं इन्हीं ओवन से रिलेटेड डिटेल पिक्चर वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ जो मैंने कुछ वेबसाइट से और इसके ही मैनुअल से इकट्ठा किया है, उसे मैं शेयर कर देता हूँ। गाइस अब हमारा जो खीर है वो बनके रेडी हो चुका है, और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय लगा क्योंकि हम बहुत छोटे बर्तन में बनाए थे। तो गाइस चलिए अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और गाइस एक बात ना भूलें कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। टेक केयर, बाय।